सभी को नमस्कार। चलो स्टार्ट करें, लाइक भी कर दीजिएगा सब लोग लाइक भी करिएगा, ठीक है। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो भी देखते चले, ठीक है ना। चलिए जवाब आप पहला प्रश्न आपका दिया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में प्रतिनिधि के लिए दंड का उपबंध जो किया गया है वो किस धारा में किया गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, 41 नंबर आपको जवाब देना है। कह रहा है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में प्रयत्न के लिए दंड का जो प्रावधान है वो आपको कौन है। देखो यहाँ पर केवल क्या बोला गया है, अगर उसने प्रयत्न किया गया है तो, है ना। तो यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, सही जवाब 41 का यहाँ पर बनेगा फर्स्ट नंबर आपके धारा 15 में है, ठीक है। अगर वो प्रयत्न करता है तो आपके किसमें, धारा 15 में आपको प्रावधान किया गया है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों जिन पर अत्याचार हुआ है को न्याय प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त सुविधा की जिनके अंतर्गत विधिक सहायता भी है व्यवस्था करने का जो दायित्व है वो आपके किसके पास है। तो देखो दिया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, है ना, और इन पर अगर अत्याचार होता है तो उन पर कह सकते हैं जो व्यवस्था है उनकी सहायता करने के लिए इसका जो आपका दायित्व है वो आपको किसको है, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन, है ना। हमने आपको बताया भी था कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए, देखो केंद्र सरकार ऊपर भी है लेकिन नीचे जो दिया गया है वो आपका दिया गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन ये प्रावधान है, तो ऑप्शन बने कौन सा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव अगला है, कह रहे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के अधीन राज्य आयोग के सदस्य को पद से हटाया जाने का उपबंध है। मतलब यहां पर देख सकते हैं कि मानव अधिकार संरक्षण आपका अधिनियम कितना है 1993, और इसके द्वारा बोला गया है कि किस धारा के अधीन राज्य आयोग के सदस्य को पद से हटाया जाने का प्रावधान है। यह प्रावधान जो किया गया है वो कौन सी धारा है, तो यहां पर जवाब हो जाएगा 43 को ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर सी नंबर, धारा 23 में प्रावधान किया गया है, ठीक है। धारा 23 में प्रावधान है कि कोई भी अगर यहां पर राज्य आयोग का सदस्य है तो उसको उसे के पद से हटाया जा सकता है। मतलब कैसे हटाया जाएगा, अगर किसी प्रकार की कोई आपकी समस्या होती है तो, अगर उसकी व्यवस्था में कोई प्रकार की दिक्कत होती है तो, ठीक है। और इसका जो हटाने का केंद्र है, ये दायित्व है, वो आपके केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन ही आपका होगा, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, आपराधिक मनः स्थिति में शामिल नहीं है। हमने आपको यहां पर मूल विधि का पहला ही चैप्टर आपको बताया था, और हो सकता है कि इस प्रश्न को हमने डायरेक्ट बताया था कि अपराध की मनः स्थिति में जो आपका शामिल नहीं होता है वो कौन नहीं शामिल होता है, याद रखिएगा आपको शामिल होगा आशय, आपका ज्ञान और आपका उपेक्षा, लेकिन हेतु इसमें से शामिल नहीं होता है, ठीक है। हेतु इसमें से शामिल नहीं होता है, ऑप्शन यहां पर आपका ए हो जाएगा। जब पढ़ रही है तो आपको रिविजन में मिलेंगे, तो आप उसके बारे में ना भी जानते होंगे तब भी आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से एक अपराध के लिए संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार स्वेच्छा से मृत्युकारी करने तक है। मतलब यहां पर अर्थ क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति का खुद का, मतलब अगर खुद की उसकी संपत्ति के लिए विरुद्ध, उसकी खुद की संपत्ति के विरुद्ध अगर ऐसा कोई काम उठाया जाता है तो ऐसी स्थिति में स्वेच्छा से मृत्युकारी करने तक आपको जो है वो आपका कौन से है, तो यहां पर 45 का जवाब बनेगा ए नंबर आपका चोरी। मतलब क्या हो जाएगा कि इस स्थिति में कोई मृत्यु नहीं है, ना ही लूट में है, ना आपका आपराधिक अत्याचार में है, लेकिन यहां पर याद रखिएगा आपका ए नंबर आपका चोरी में आपको हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपके यहाँ पर हार्ड है, तो भैया यहाँ पर मूल विधि आप पढ़ रहे हैं तो आपका हार्ड तो मिलेगा ही ना, अभी आप सरल मिल रहे तो आप लोग कह रहे थे बहुत सरल आपके आ रहे हैं, अब यहाँ पर आपको मिल गए कह सकते हैं कठिन, तो आप कह रहे हैं सर जी ये तो कठिन हो गया, टॉपिक वाइज आपको सरल लग रहे थे अब तो भाई कठिन आ रहे हैं, तो भैया आप दोनों चीज में एडजस्ट करिए ना, स्टार लेना है तो थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा, काफी कठिन होगा काफी हार्ड होगा। चलिए दूसरे पक्ष को भी सुनो का आशय तत्व क्या है, दूसरे पक्ष को सुनो ये आशय जो है वो आपका कौन सा है, यही मूल विधि का आपके यहाँ पर समझते हैं प्रैक्टिस सेटअप का है, ठीक है। तो यहाँ पर याद है दूसरे पक्ष को भी सुनो ये आवश्यक जो तत्व है वो आपका किसका है, यहाँ पर जो जवाब बनेगा वो आपका बनेगा थर्ड, आपका सूचना का भी है और आपका सुनवाई का भी है, अर्थात यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही होता है, दूसरे पक्ष को सुनो, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रस्ताव अगला है, अगर मोटर यान अधिनियम की धारा के अंतर्गत स्वामित्व का जो आपका अंतरण किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह आपका होता है ना, मोटर यान हमने पढ़ाया था टॉपिक वाले में, ये किसके धारा के तहत आपका होता है, तो ये जो आपका होता है कौन सा, फर्स्ट धारा 50 में, किसमें, धारा 50 में आपका किया गया है कि कोई भी अगर मोटर यान है उसका अंतरण करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो आपके धारा 50 के तहत आपका होता है, ठीक है। आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन संबंधी जो प्रावधान है वो आपके किसमें है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण आपके प्राधिकरण का जो गठन संबंधी प्रावधान है वो आपके किसमें किया गया है,
तो ये किया गया है आपके फर्स्ट में धारा 38 के आपके किस में, तो आपके ठाठेरा में, किस में, ठठेरा वाले में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है पर्यावरण प्रदूषण निवारण नियंत्रण एवं उपाशयन हेतु प्रावधानों का जो वर्णन है वो आपके किस में है। देखो दिया गया है पर्यावरण प्रदूषण निवारण, है ना, इसके बारे में जो प्रावधान है वो आपके किस में किया गया है। ये प्रावधान है आपके धारा 7 से लेके आपके धारा 17 तक आपके प्रावधान आपका किया गया है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, बी हो जाएगा, धारा 7 से लेके धारा 17 तक आपका प्रावधान है पर्यावरण प्रदूषक निवारण नियंत्रक एवं उपशयन के प्रावधान हेतु। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है दहेज देना या लेने के लिए करार शून्य होगा। देखो दहेज देना या लेना, हमने आपको बताया था दहेज वाला, अगर आप दहेज लेते हो या दहेज देते हो दोनों रूप में क्या होगा, ये आपका संज्ञान आपका अपराध होगा, है ना, और इसका जो आपका वर्णन है वो आपके किस में होगा, तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा बी, धारा 5 के अंतर्गत आपका ये आपका जुर्म है एक प्रकार का। ठीक है, तो जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, कोई बात नहीं, तुक्का लगा रहे हो वो भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आप देख तो रहे हो ना, देख तो रहे हो, हमने आपको बताया था कि कोई चीज कठिन होती है कम से कम आप उपस्थिति रहो, ताकि दोबारा अगर वो पढ़ाया जाए तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आए और दोबारा को आपको तुक्का काम भी करने लगे, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा है रामू सोहन के घर में खिड़की से घुसता है, रामू ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया। चलिए बताइए कि रामू सोहन के घर में खिड़की से घुसता है, अभी बताइए कि रामू ने जो अपराध किया है वो किस प्रकार का अपराध है। ये तो क्वेश्चन हमने आपको बताया था ना, डायरेक्ट यही क्वेश्चन आपको बताया है ना, जो बताया है तो उसको आप सही करिएगा। चलिए तो 51 का जवाब क्या बनेगा, तो यहां पर हो जाएगा अतिचार, कैसा, ग्रह अतिचार, मतलब क्या हो जाएगा कि घर में उसने क्या कर दिया, यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर सेंध मारी होगा या ग्रह अतिचार होगा, इसका जवाब बनेगा आपका बी नंबर, क्या बनेगा, यहां पर रामू ने आपके जो भारतीय दंड संहिता है 442 उसमें से ग्रह अतिचार का किया है, क्या ग्रह अतिचार होगा, इसका जवाब जो आइएगा ग्रह अतिचार होता है, मतलब हाउस ट्रिप पास होता है। ठीक है, आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है। हमने आपको ट्रैफिक वाला आपको बताया था, क्या बताया था, ट्रैफिक वाला हमने चैप्टर अभी बताया था, इसके पहले जो चल रहे थे वो आपको रोड वाला बता रहे थे ना पूरी तरीके से, वही क्वेश्चन आपको देखो आ गया है, कह रहा है आपसे कि वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है, मतलब उसी संबंधित आपका है, तो वेरी लाइट पिस्टल का जो प्रयोग होता है वो रात में किस लिए, यहां पर जवाब हो जाएगा कौन सा, यहां पर आपका बी नंबर, आत्मरक्षा के लिए, मतलब खुद की रक्षा के लिए यहां पर आप वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग कर सकते हो खुद की रक्षा के लिए। ठीक है ना, यहां पर जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा है ग्राम अपराध नोटबुक के किस भाग में हिस्ट्री शीट का समावेश होता है, ग्राम अपराध नोटबुक के किस भाग में हिस्ट्री शीट का समावेश होता है, और ये जो समावेश होते हैं आपके भाग 5 में है, किस में है, भाग 5 में आपका ये प्रावधान आपका है। ठीक है, तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, ग्राम अपराध नोटबुक के भाग 5 में हिस्ट्री शीट का समावेश होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला दिया है, उत्तर प्रदेश आर्म कांस्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबुलेटरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, इसको भी तो बताया है ना, अभी मैं सोचू कि ये तो नया है, अभी आपने पढ़ा ही नहीं सही से, तो हम क्या करें, है ना, तो यहाँ पर याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, यहाँ पर 54 का जवाब बनेगा ए नंबर, आपके 1948 में ये पारित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन कौन सा बनेगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रसाद सिला है, कह रहे मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट व स्व परीक्षण रिपोर्ट में विरोधाभास हो और स्व परीक्षण रिपोर्ट से अभियुक्त को लाभ मिल रहा हो तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, फिर से पढ़िए, कह रहे मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट स्व परीक्षण रिपोर्ट में विरोधाभास हो और स्व परीक्षण रिपोर्ट से अभियुक्त को लाभ मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में यहां पर जो किया जाएगा वो आपको क्या किया जाएगा, तो स्व परीक्षण जो रिपोर्ट है उसे हम लोग स्वीकार कर लेंगे, क्या करेंगे, उस स्व की जो रिपोर्ट है उसको स्वीकार कर ली जाएगी, अगर फायदा मिलता है अभियुक्त को तो स्व परीक्षण रिपोर्ट को क्या करेंगे, स्वीकार कर दी जाएगी, यहां पर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, यहां पर डी नंबर, और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट अस्वीकार कर दी जाएगी। ठीक है, इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, प्रसाद सिला है, यहां पर आपसे कह रहा है एक फरार अपराधी हुआ होता है जो, ये बताइए कोई अगर फरार अपराधी है और ये जो आपका अपराधी होगा कैसा अपराधी होगा, बताइए घर से भागा हुआ कैसा होगा भाई, यहां पर बताइए कैसा अपराधी होता है जिसे बोलते हैं फरार अपराधी, तो ये अपराधी होता है याद रखिए कि जिसके विरुद्ध धारा 82 अर्थात CRPC के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो चुकी है उसको बोलते हैं कि ये व्यक्ति क्या है, फरार है। ठीक है ना, अभी आपने देखा था कि किसान जो आंदोलन था वहां पर एक व्यक्ति को यहां पर बोला गया था ना, उस पर ये धारा आपकी लागू की गई थी। ठीक है, और उस पर आपका इनाम भी रखा गया, बोला गया ये आपका फरार आपका है। ठीक है, तो जवाब कौन सा हो जाएगा आपका, डी राइट आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, यहाँ पर दिया है हिस्ट्री सीट बंद करने के बाद निम्नलिखित में से कार्यवाही की जाती है। हिस्ट्री सीट बंद करने के बाद जो आपकी कार्यवाही की जाती है वो किसके अनुसार की जाती है, यहाँ पर 57 नंबर। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, हम आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं क्योंकि तुक्का मारने से अच्छा है कुछ बहुत उसके बारे में जान भी लीजिए, है ना। तो हिस्ट्री सीट बंद करने के बाद जो कार्यवाही की जाती है वो की जाती है किसमें, वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, केवल निगरानी करना व तथ्य से संबंधी अंकन बंद कर दी जाती है। ठीक है, मतलब उस पर जो निरीक्षण हो रहा है, निगरानी हो रही है, वो वहां पर आपकी बंद हो जाती है, पूरी तरीके से बंद होती है। जब दोबारा को कुछ होता है तब वहां फिर से यहां पर निगरानी शुरू होती है। तो यहां पर जो जवाब हो जाएगा वो आपका थर्ड हो जाएगा, केवल निगरानी करना व आपके तत्संबंधी अंकन बंद कर दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। अगला दिया है कि लोक अभियोजक निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है, लोक अभियोजक जो कार्य करता है वो किसके अधीन कार्य करता है। चलिए यहाँ पर कोई बात नहीं है, अगर हमारे बोलने के बाद अगर वो जवाब दे रहे हैं तो वो समझिए कि सबसे बेस्ट आपके स्टूडेंट वही हैं। क्यों? क्योंकि वो तुक्का नहीं लगा रहे हैं, वो हमारी भाषा को अच्छे से सुन रहे हैं, सुनने के बाद जो हम बोल रहे हैं वो आप जवाब दे रहे हैं। ये सबसे आपका बेस्ट तरीका है जब आपको नहीं आ रहा है ना, अपने आप को पहले से जवाब देकर अपने आप को हीरो साबित करने से अच्छा है कि अपने आप को कुछ सीख लीजिए, है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पर 58 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि लोक अभियोजक निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है, तो ये करता है आपके ऑप्शन राइट बनेगा बी नंबर, जिला मजिस्ट्रेट। क्या होता है? जिला मजिस्ट्रेट होता है। यहां पर ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा? बी नंबर। ठीक है, बी नंबर आपका होता है। और ये जो आपकी धारा होती है 24, ठीक है, कौन सी धारा? 24 के अधीन आपका होता है, जिला मजिस्ट्रेट के अधीन कार्य करता है। ठीक है, आगे आते हैं प्रस्ताव से। अगला पूछा गया है, कह रहा है एक राज्य का राज्यपाल जो होता है, एक राज्य का जो राज्यपाल होता है वो किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पर जवाब दीजिए सही कौन सा हो। एक राज्य का राज्यपाल जो आपका होता है वो किस प्रकार से, तो यहाँ पर कह सकते हैं राष्ट्र, देखो कह रहा है विधानमंडल द्वारा निर्वाचित होता है क्या? नहीं होता है। मनोनीत होता है क्या प्रधानमंत्री के द्वारा? नहीं होता है। मुख्य न्यायाधीश करता है क्या? नहीं करता है। मतलब यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा? डी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलो एक तो सही हुआ ना, कोई बात नहीं, ताली बजा दीजिए। अगर एक सही कर लिया है तो ताली बजाइए, क्या दिक्कत है ना। चलिए संविधान के क्वेश्चन अब आपके आ चुके हैं। कह रहा है लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। चलिए बताइए लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आपकी संख्या रखी गई है वो कितनी रखी गई है। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? 60 नंबर में जवाब दीजिए। ये तो आपका संविधान का क्वेश्चन है ना, ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन आपका है ना। तो याद रखिएगा कि आपके जो अनुसूचित जाति है उनकी कितनी है, तो आपके 79 है, और अनुसूचित जनजाति की जो आपकी है वो आपकी 40 है। तो इसका जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, 79 और 40। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है जो कि कह रहा है हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है, आर्थिक नियोजन के बारे में जो आपके संविधान में बोला गया है वो आपके किसमें शामिल किया गया है, यहां पर जवाब देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिए आर्थिक नियोजन, इसके लिए केंद्र सरकार भी यहां पर बना सकती है रूल और अपनी राज्य सरकार भी यहां पर बना सकती है। कुल मिला के देखा जाए तो यहां पर जो जवाब बनेगा आपको समवर्ती सूची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची। आपका जवाब हो जाएगा समवर्ती सूची। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे लोकसभा में संसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। चलिए देखो आप कोटा पूरा कर लीजिए, इसके पहले आपने कठिन प्रश्न पढ़े थे, अब सरल प्रश्न पढ़ लीजिए। आपने संविधान तो पढ़ा है ना, तो याद रखिएगा अगर आपसे मूल विधि नहीं सही हो रही है तो कम से कम पॉलिटी तो आपके सही हो जाना चाहिए ना। इसीलिए पॉलिटी आप अच्छे तरीके से मजबूत कर लीजिए कि आपके संविधान उसके आपके मूल विधि क्वेश्चन छूट भी जाए तो आपको कोई गम ना होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहां पर लोकसभा के लिए हो जाएगा कौन सा? यहां पर भी हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव अगला है, संविधान की अष्टम सूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं, संविधान की अष्टम सूची में कितनी भाषाएं संबद्ध आपकी हैं। तो यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि 22 भाषाएं हैं। कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, 22 भाषाएं आपकी यहां पर हो जाएंगी, 22 भाषाएं। ठीक है ना, ये भी पॉइंट आपका यहां पर क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, अब यहां पर आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। ठीक है, पहले आपके आए किसके? मूल विधि के, फिर आए आपके पॉलिटी के, अब यहां पर आपके सामान्य ज्ञान के। कह रहा है चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था, जो जैन लोगों को जो जैन सभा होती थी उनको जो दान देते थे वो भूमि को क्या कहते थे। चलिए यहां पर 65 का जवाब देना है। इसका जो जवाब बनेगा आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था। इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका बन जाएगा कौन सा? थर्ड नंबर। इसे बोला जाता था आपका पल्ली छद्दानम। क्या बोलते थे? पल्ली छद्दानम बोलते थे। इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है ना, जवाब बन जाएगा आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, वहीं पर आपका विल्ला जो दिया, विल्लन गाय,
इसका मतलब होता है जो किसान मालिकों के लिए भूमि दी जाती थी, ठीक है। ब्राह्मण जो आपके थे, ब्राह्मणों को किसान मालिकों के द्वारा जो दी जाती थी वो इसे ये बोला जाता था, ठीक है। आपका यहां पर दिया है महादेय, महादेय मतलब क्या होता है कि भूमि ब्राह्मणों को दी गई हो, ठीक है, ये डायरेक्ट आपका हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रस्ताव शिला है कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। तुगलक वंश की जो नींव रखी थी वो आपके किसने रखा था, 66 नंबर आपको जवाब देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो गयासुद्दीन तुगलक, किसने दिया था, गयासुद्दीन तुगलक अपने रखा था, जो कि आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, बी नंबर, गयासुद्दीन तुगलक ने भारत में, यहाँ पर देख सकते हैं तुगलक वंश की स्थापना कब से कब, तो याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक आपके 1320 में आए थे, 1320 से आपके आए थे और 1325 में खत्म हुए थे, मतलब 1320 से 1325 तक आपका यहाँ पर इसका हो जाएगा, ठीक है। और आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है कि आपसे यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। तो बताइए भाई, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। यहां पर 67 का जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा, ये थे आपके मैकडोनाल्ड, कौन थे, यहां पर ऑप्शन बनेगा, यहां पर ऑप्शन बनेगा जेम्स रामजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है। बताइए कि कौन सी नदी है जो आपके अरब सागर में आती है, अरब सागर में आती है वो आपकी कौन सी है, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। जवाब क्या बनेगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए नंबर, आपकी नर्मदा, ठीक है। नर्मदा नदी है जो कि आपके कहां पर आती है, अरब सागर में आती है, और अरब सागर में गिनने वाली सबसे लंबी नदी आपकी कौन है, नर्मदा नदी है, और इसे यमपी की जीवन रेखा भी कहा जाता है, इसे यमपी की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव अगला है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, चलिए यहां पर जवाब देना है, इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए तो यहां पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका बन जाएगा कौन सा, थर्ड नंबर, आपके कर्नाटक में, कहां पर है, तो आपके कर्नाटक में है, इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, थर्ड नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। भद्रावती और आपका चिक्कमगलूर शहर आपका है उसी जगह का स्थित है, ठीक है। अगला आपसे क्वेश्चन दिया है कि डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है, डेन्यूब नदी का जो उद्गम है वो आपके किस देश में है, यहां पर जो जवाब है सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए यहां पर 70 का ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आपका बी। चलिए यहां पर डेन्यूब नदी का जो उद्गम है वो जर्मनी में एक पड़ती है ब्लैक फॉरेस्ट, क्या पड़ती है, ब्लैक फॉरेस्ट पड़ती है पहाड़ियां, वहां से निकलती है, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, आपके ब्लैक फॉरेस्ट आपका पड़ता है उस शहर के पास से आपकी निकलती है, ठीक है ना। और आगे आते हैं, और कहां गिरती है, काला सागर में, कहां गिरती है, काला सागर में आपकी गिरती है, ठीक है। आगे आते हैं, प्रस्ताव अगला है, आरओ में इंटरव्यू होता है क्या, तो भाई एकता द्विवेदी आरओ में इंटरव्यू आपका नहीं होता है, ठीक है ना। आरओ वाले जो आपके होते हैं, एआरओ में, आप एआरओ में टाइपिंग होती है, ठीक है, एआरओ में टाइपिंग होगी, इंटरव्यू आपका नहीं है, ठीक है, खत्म हो गया। चलिए बताइए 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था, 1856 में जो कानून हुआ था वो जो आपका पारित हुआ था वो आपका बताइए, कह सकते हैं 1856 में निम्नलिखित में से कानून पारित हुए, कौन कौन से कानून यहाँ पर पारित हुए ये आपसे पूछा गया है। इसमें से जो आपके ऑप्शन है कुछ इस प्रकार से आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना, यहाँ पर इस प्रकार से हैं। तो पहला दिया है धार्मिक असुविधा कानून, ठीक है, कौन सा है, धार्मिक असुविधा कानून, ये आपका 1856 में आपका पारित हुआ था, ठीक है ना। वहीं पर जो आपका था कौन सा, तो विधवा पुनर्विवाह कानून, ये भी आपका इसी के समय पारित हुआ था, जो कि आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने योगदान इसमें से दिया था। तो कुल मिलाकर इसका जो पहला है और ये आपका कौन सा है, यहां पर आपका ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 1856 में, ठीक है। तो आपका जवाब बनेगा कौन सा, फर्स्ट आपका हो जाएगा 1 और 3, इसका जवाब बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव अगला है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को जो समय लगता है वो कितना समय लगता है। बताइए हमारे आकाशगंगा का सूर्य की परिक्रमा, हमारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को जो समय लगता है वो कितना लगता है। चलिए तो यहां पर जवाब क्या बनेगा, चलिए जवाब दीजिए, इसका जवाब जो बनेगा कौन सा हो जाएगा, चलिए यहाँ पर आपका जवाब सही है लास्ट वाला, चलिए यहाँ पर 25 हो जाएगा, याद रखिए 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, कितने 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा कौन सा, डी नंबर आपका हो जाएगा, डी नंबर आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है मार्मगाओ पत्तन किस कहाँ पर स्थित है। मार्मगाओ पत्तन स्थिति से बंदरगाह भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्मगावा बंदरगाह है, ये आपके कहाँ पर है, ये पड़ता है कहां पर, आपके गोवा में है ना, गोवा में है, जुआरी नदी है वहीं पर आपका बना है ये आपका बंदरगाह, ठीक है ना, जो कि आपके पश्चिमी घाट पर है, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और देखा जाए वाणिज्यिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। यहां पर जवाब दीजिए, अवध के एका आंदोलन का जो उद्देश्य था ये क्या था, 74 का जवाब देना है, 74 का ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा।
चलिए 74 आपका दिया गया है। और एका आंदोलन जो आपका था, इसमें से अगर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। क्या था? जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, ये था इसका, कह सकते हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से किस एक की उच्चतम ऊर्जा है, सबसे ज्यादा जो आपकी ऊर्जा होती है वो आपकी किसकी होती है, अल्फा, बीटा, गामा या एक्स, किसकी जवाब बताइए। सबसे ज्यादा जो होती है वो किसकी होती है, तो गामा किरणों की, किसकी होती है, गामा किरणों की होती है। यहां पर आपका कौन सा थर्ड नंबर आपको हो जाएगा, गामा किरणों की ऊर्जा जो होती है वो आपकी सबसे ज्यादा आपकी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है जो कि यहाँ पर दिया है, धूम्रपान शरीर में ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न करता है, क्यों? देखो, जो लोग यहाँ पर धूम्रपान करते हैं तो उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऐसा क्यों होता है? उनके बॉडी में जो रक्त होता है उसमें क्या मिल जाता है, तो उनके जो मिलता है उसमें क्या होता है, मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा कैसे कि रक्त में आपके O2 का अंश क्या होता है, घट जाता है। सिंपल सी बात है, ऑप्शन बी को कर दीजिएगा कि रक्त में O2 का अंशदान क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, यहाँ पर जवाब कौन सा, बी नंबर आपका हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थस्थल है वो आपके कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का जो तीर्थस्थल है वो आपके कहां पर है, 77 नंबर में। चलिए जवाब आ गया है ऑप्शन यहां पर आपका बी, तो आपका जवाब आपका है कौशाम्बी, तो जवाब बिल्कुल सही है, आपकी कौशाम्बी में है, बी नंबर आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद सिंगला है, यहां पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में निर्यातुक मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहां पर स्थापित किए गए हैं। यहां पर दिया उत्तर प्रदेश में निर्यात के लिए जो आपके सॉफ्टवेयर पार्क है वो आपके कहां पर स्थापित किए गए हैं। चलिए 78 का जवाब देना है, 78 में, तो यहाँ पर याद रखिए आपके नोएडा और आपके कहाँ पर, आगरा में, नोएडा और आगरा में निर्यात के लिए आपके हैं, जो कि ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर कौन है भाई, यहाँ पर आपका थर्ड है, नोएडा और आपके कहाँ पर है, आगरा में है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश के किस राजकीय चिन्ह में, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में जो आपका है कौन सा नहीं है, यह यहाँ पर आपको देना है। चलिए मछलियां, धनुष, तीर, मोर, क्या नहीं है, तो यहां पर ऑप्शन डी आपका मोर आपके इसमें से नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसाद सिंगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, यहां पर जवाब देना है। सही जवाब इनमें से कौन हो जाएगा, 80 नंबर में। चलिए तो यहाँ पर याद रखिए 1974 में कब की गई थी, 1974 में की गई थी, इसका जवाब देखो लगभग आ भी रहा है, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर ए नंबर। ठीक है, 1974। अब अगला टॉपिक जो आपका है, हमने आपको बताया भी था कि हम डेली यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के साथ साथ यहाँ पर मूल विधि को भी कंप्लीट कराते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं लगातार जो तैयारी कर रहे होंगे उनका आज टॉपिक नंबर कौन सा है, 7 नंबर में आप लोग पहुंच चुके हैं, 6 टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो इतना तो आपको पता चलेगा कि नहीं, हाँ ये जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से लिया गया है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर दिया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, आपका 7 नंबर आपको चालू हो गया है। चलिए क्वेश्चन दिया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था ये किस वर्ष पारित हुआ, इसका जवाब दीजिए। सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ था, 1972। बिल्कुल जवाब सही है, 1972 में ये आपका पारित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन आपका बन जाएगा बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद सिंगला पूछा गया है, कह रहा आपसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का जो विस्तार है वो आपके कहाँ पर है, वन्य जीव संरक्षण का जो विस्तार है ये आपके कहाँ पर आपके है, याद रखिएगा पूरे भारत में, कहां पर है, पूरे भारत में आपका है, संपूर्ण भारत में आपका जवाब ए नंबर आपका हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जानवर शब्द जो परिभाषित है वो आपके किस में परिभाषित किया गया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जानवर शब्द जो परिभाषित है वो आपके किस में परिभाषित किया गया है। चलिए यहां पर आपको कौन सी धारा है, तो ये धारा है 2 का 1st। ठीक है, धारा 2 के 1st में आपके वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जानवर शब्द को परिभाषित किया गया है, और इसमें से आपके कह सकते हैं स्तनधारी भी होंगे, पक्षी भी होंगे, सरीसृप भी होंगे, जल वाले भी होंगे, और आपके यहां पर मत्स्य भी होंगे, अकशेरुकी भी होंगे, उनके बच्चे भी होंगे, अंडे भी सम्मिलित हैं, सब कुछ इसी में आपके सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राष्ट्रपति की स्वीकृति जो मिली थी वो आपकी कब मिली थी, यहां पर जवाब देना है। सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए साथ में वीडियो को भी लाइक करते रहिए, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को भी लाइक करिएगा। चलिए तो यहां पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई,
तो 4 का ऑप्शन बनेगा यहां पर, कौन सा डी नंबर आपका हो जाएगा, आपके 9 सितंबर 1972, 9 सितंबर 1972 ऑप्शन यहां पर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 1993 प्रवृत्त हुआ, मतलब जो आपका संशोधन हुआ था 1993, और ये जो आपका लागू हुआ वो कब से हुआ आपका, ये जो आपका हुआ कब से, तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर आपके 4 अगस्त 1992, 4 अगस्त 1992 को ये प्रवृत्त आपका हो गया था संशोधन के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे दिया गया है जो कि क्वेश्चन दे रहा है यार, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकार को निषिद्ध किया गया है, मतलब जो लोग शिकार करते हैं जानवरों को मारते हैं उनके लिए यहां पर आपका बनाया गया है धारा जिसके माध्यम से यहां पर उनको दंड भी दिया जाएगा। तो यहां पर जवाब हो जाएगा 6 का ऑप्शन राइट, यहां पर बनेगा सी धारा 9 हो जाएगा, धारा 9 आपका जवाब हो जाएगा धारा 9। ठीक है, जो कि 1972 के तहत आपका किया गया है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो अगर वैसा कार्य करता है वन्य प्राणी को मारता है तो उसके लिए यहां पर कह सकते हैं कि धारा के तहत उसे सजा दी जाएगी। अगला आपसे क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के किस प्रावधानों के अंतर्गत